प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। हाँ प्रिय, प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। बाइबल बताती है भजन संहिता 116 अध्याय के 7 पद में, हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। हाँ प्रियो, परमेश्वर चाहता है हर एक मनुष्य के प्राण में एक सच्चा विश्राम हो। हाँ प्रभु आपके प्राण में विश्राम देना चाहता है। बाइबल बताती है मत्ती 11 अध्याय 28 पद में, प्रभु यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रियो, आज आप अपने जीवन के कई क्षेत्रों में निराश हो सकते हैं, आप आंसुओं की वादियों से होकर जा सकते हैं, हो सकता है आज आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और व्याकुल हैं। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि वो आपको विश्राम स्थान में लौटा ले आएगा। हाँ, वो आपको विश्राम देगा और आपको आनंद से परिपूर्ण करेगा। कैसे हम इस विश्राम को पा सकते हैं? जब आप क्रूस के पास आते हैं। हाँ प्रिय, जब आप क्रूस के पास आते हैं, जहां पर परमेश्वर ने आपको सच्चे विश्राम को देने की प्रतिज्ञा की है, क्योंकि पाप और पाप से जो तकलीफ है, परेशानियां लोग के जीवन से विश्राम को खत्म कर देती हैं, उस पाप को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने ऊपर उठा लिया। हाँ प्रिय, उसने हमारे खातिर क्रूस पर जान दी। यदि आज आप क्रूस के पास आए, अपने पापों से पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको धोकर नया बनाएगा। हाँ, वो आपके प्राण में एक सच्चे विश्राम को देगा, एक सच्ची शांति को देगा, और यही उपकार उसने अपने पुत्र के द्वारा मेरे और आपके लिए किया है। आइए हम प्रार्थना के द्वारा इस सच्चे विश्राम को प्राप्त करें। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आज अपने जीवन में लोग जितने भी परेशान हैं, निराशा से होके जा रहे, वेदना से होके जा रहे हैं, और इनकी जिंदगी में किसी भी प्रकार का विश्राम नहीं है, आज आप इन्हें विश्राम दे। जैसे कि क्रूस के पास आकर अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं, रो रहे हैं, स्वामी आप इन्हें सच्ची शांति दे, अपने खून से आप इन्हें धोए, सच्चा विश्राम देकर आप इन्हें परिपूर्ण करें, आनंद से परिपूर्ण करें। धन्यवाद ऐसा करने के लिए। जो कोई भी बीमार है, आप उसे चंगा करें, सच्ची शांति दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमेन। गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर माय सिस्टर। प्रभु आपको आशीष दे।